चमोली करंट हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। मौत का ये खतरनाक मंजर जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये पहली अब जांच के पन्नों में लिखे दस्तावेजों के आधार पर सॉल्व होगी। फिलहाल यूपीसीएल ने साफ कर दिया है कि हमारी कोई गलती नहीं है। वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। साथ ही जिस जल संस्थान के हैंडओवर इसे किया गया था उसके अधिकारियों ने भी मौन धारण कर लिया है। इधर मुख्यमंत्री धामी इस घटना के बाद से ही लगातार पीड़ितों और घायलों के संपर्क में हैं और फिलहाल 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की जा चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने चमोली पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पुलिस गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, मनीष खंडूड़ी और विधायक राजेंद्र भंडारी मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। इसके बाद कार्यकर्ता फिर जिला अस्पताल गेट पर धरना स्थल पर चले गए। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं देहरादून के डोईवाला में उत्तराखंड की धामी सरकार को घटना का आरोपी बताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का कांग्रेसियों ने पुतला जलाकर विरोध जताया। घटना के आरोपियों को सख्त सजा और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धामी सरकार से इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के साथ परवा दून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और नगर कांग्रेस कमेटी ने भी अपना विरोध जताया। घटना है जो चमोली में जो हादसा हुआ है, कि घोर लापरवाही और आज जो 15 से अधिक लोग आज इस दुनिया में नहीं, उसके लिए पूरी तरह प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है, ऊर्जा मंत्रालय दोषी है, क्योंकि ये देवी का आपदा नहीं है। ये भूकंप की एक त्रासदी नहीं है, अतिवृष्टि के कारण नहीं हुई घटना, लैंडस्लाइड के कारण नहीं हुई है। ये मानवीय त्रुटि है, प्रशासन विभाग की सरकार की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, जब रेल दुर्घटनाएं हुई और समय समय पर रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया।